हाय गाइज, मैं हूँ अश्वनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सीरीज टेस्टर में हमें क्या सावधानी बरतनी है और सीरीज टेस्टर को ख़राब होने से हम कैसे बचा सकते हैं। तो आइए मैं पहले आपको सीरीज टेस्टर दिखाता हूँ और सीरीज टेस्टर कैसे काम करता है उसके बारे में भी बता देता हूँ और उसे हम खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। तो यहाँ एक छोटी सी सावधानी को बरतना है और उससे आपका टेस्टर कभी भी खराब नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, यह हमारे पास एक सीरीज टेस्टर है और यहाँ आप देख सकते हैं कि टेस्टर यह है और इसका टर्मिनल भी जो है कि दबाव की वजह से टूट गया है। तो आप देख सकते हैं कि पहला काम यह है कि टर्मिनल पे ज़्यादा जोर दबाव नहीं डालना है। और आप देख सकते हैं कि यह टेस्टर सीरीज टेस्टर है, यह कैसे काम करता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। तो यहां मैं आपको दिखाता हूं, यहां आप देख सकते हैं कि जो सीरीज टेस्टर है, इस टर्मिनल को और इस टर्मिनल को आपस में जब जोड़ा जाता है तो ये जो वाइट वाला है ये रेड कलर में जलने लगता है। इसके अंदर एक बल्ब है और जब इसको दोनों को आपस में टच कराया जाएगा तो यहाँ जलने लगेगा। लेकिन ये ख़राब हो चुका है, क्यों ख़राब हुआ है, कैसे ख़राब हुआ है, सब कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सीरीज टेस्टर है इसको जब आपस में टच कराया जाता है तो यहाँ रेड कलर का लाइट जलने लगता है। तो इससे इस टेस्टर की सहायता से वायर को, बल्ब को, अनेकों चीज़ों को जो है कि सीरीज विधि से टेस्ट किया जाता है। लेकिन इस टेस्टर से उसी चीज़ को आप टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि करंट न चालू हो। तो अगर आप इसको करंट मतलब किसी केबल में या कहीं करंट एक्टिव है जहां लाइन आ रहा है उसमें अगर आप इसको टेस्ट कर देंगे तो यह ख़राब हो जाएगा। तो इसमें भी यही समस्या हुई है कि यह चालू लाइन में इसको चेक कर दिया गया है और इसी वजह से इसका सब सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है और इसी वजह से इसको आपस में टच कराने पे यहाँ रेड कलर की लाइट नहीं जल रही है। तो आप जब भी इस तरीके का टेस्टर खरीदें तो सावधानी पूर्वक जो है कि जिसमें लाइन न चल रही हो उसको ही टेस्ट करें और चलती हुई लाइन में इस सीरीज टेस्टर की सहायता से किसी चीज़ को टेस्ट न करें। और इसी वजह से जो है कि आप देख सकते हैं कि हमारा यह टेस्टर सीरीज टेस्टर जो है कि चलती हुई लाइन में इस्तेमाल किया गया और इसी वजह से ये ख़राब हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसका टर्मिनल भी टूट गया है। टर्मिनल टूटने का मेन कारण वही रहा कि इस पर बहुत ज़्यादा जो है कि इस तरीके से जो है कि इसके टर्मिनल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और इसका टर्मिनल ना ही स्टील का होता है ना ही लोहे का होता है, ये मिक्सर होता है और मिक्सर होने के कारण ये टूट गया है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके अंदर सब सिस्टम लगा होता है, मैं आपको थोड़ा खोल के भी दिखा देता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सब लाइट वाइट का सिस्टम लगा हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके अंदर सब सेटअप लगा हुआ है और टर्मिनल दिख रहा है और इसके स्प्रिंग लगा हुआ है, स्प्रिंग के नीचे बैटरी लगी हुई है। तो इसको हम फिर से वापस कस देते हैं और यह चलती हुई लाइन में टेस्ट किया गया है, इसी वजह से ख़राब हो चुका है। तो अगर आप इस टेस्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर नया खरीद रहे हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करिए, कहीं भी चलती हुई लाइन में इसका उपयोग ना करें। इसको सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे लाइन एक्टिव ना हो वहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और इसकी सहायता से आप सीरीज विधि से किसी भी चीज़ को, मोटर को या फिर बल्ब को या फिर किसी भी वायर को बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल अश्वनी मौर्य ओमनीपोटेंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।